अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश का। वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से हम कल छोड़ा था। हम थोड़ा सा इसको स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका पहला लेसन है, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हम स्पीड अप होंगे इसके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, उम्मीद है कि आप रेडी हैं। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग द डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर on the Rasul sallallahu alaihi wa sallam and his followers. ये dominance आ गया word यहाँ पर, threatening ये देखने के ये zero यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर zero का meaning यहाँ पर ये आ गया आपका in danger. Threatening का मतलब होता है कि किसी के लिए खतरा बन जाना, ठीक है। Dominance का मतलब होता है कि control, supremacy, उनका गलबा जो था माशरे में pagan का। Pagans कौन से? जो कफारे अरब थे, पैगन अरब यानी कफारे अरब, कफार जो नॉन मुस्लिम से, यहाँ पर इसका मीनिंग आ गया आपको, ठीक है। और माउंट का मतलब क्या है? बढ़ाना, इंक्रीज करना, बुलंद करना, जैसे माउंटेन आपने वर्ड्स पढ़ा है, पहाड़ को कहते हैं पहाड़ों को, तो ये लफ्ज उसी से बना है, माउंट, माउंटेन, बढ़ाना, इंक्रीज करना, प्रेशर, दबाव, ये आ गया नंबर 3 में इंक्रीज। चूंकि ये जो अकीदा था वॉज थ्रेटनिंग, खतरा बनता चला जा रहा था, डोमिनेंस उनके गलबे का मुआशरे के अंदर, जो अरब के जो कफारे अरब का जो गलबा था, जो उनकी सुपरमेसी थी, जो उनकी पावर थी, उसके लिए जो ये जो नया जो बिलीफ था, और नया बिलीफ क्या था? इस्लाम, उनके लिए थ्रेटनिंग, उनके लिए खतरा बनता चला जा रहा था इन द सोसाइटी, उनके मुआशरे में, द पैगन अरब्स। तो कफारे अरब ने क्या किया? स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा कराम पर, आपके पैरोकारों पर, ठीक है। चूंकि ये जो अकीदा था मुआशरे में, उनका जो डोमिनेंस था, उनकी जो सुपरमेसी थी, उनका जो गलबा था, उसके लिए खतरा बनता चला जा रहा था, तो पैगन अरब ने यानी कफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके फॉलोअर्स, आपके पैरोकारों पर या सहाबा कराम पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। they wanted them to renounce their cause. Renounce का मतलब होता है कि नंबर 4 यहाँ पर, यस ये देखें, या गिव अप, तर्क कर देना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना, तर्क कर देना। दे वॉन्टेड टू रीनाउंस देयर कॉज, they wanted them to renounce their cause, वो चाहते थे कि वो अपने इस काज को, इस मकसद को रीनाउंस कर दें, तर्क कर दें, छोड़ दें, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती को इख्तियार कर लें, टेक टू इख्तियार कर लेना, आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, they sent a delegation, और delegation क्या होता है कि वफद, उर्दू में क्या कहते हैं? वफद, और इंग्लिश में इसको कहेंगे invoice या mission। एक मौके पर उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा, एक वफद भेजा टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा लोगों का। दे टोल्ड हिम टू रीस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनिमिटी। उन्होंने उनसे कहा to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को restrain करें, रोकें, stop करें। restrain का मतलब यहाँ पर देखें number 6 में stop, prevent, मना करें the Rasul sallallahu alaihi wasallam को from preaching Allah Almighty's message, यानी खुदा ताला का, अल्लाह ताला मुतलिक, कादरे मुतलिक के मैसेज को प्रीच करने से मना करें, उनके पैगाम को प्रीच करने से, पैगाम की तबलीग से मना करें, और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करें, एनिमिटी का या दुश्मनी। नेक्स्ट लाइन, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? मुश्किल सूरत हाल, डायलेमा क्या होता है? मुश्किल सूरत हाल यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा, सेंट फॉर मतलब बुला भेजना, और नेफ्यू भतीजा, और भतीजे कौन थे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और तमाम सूरत हाल की वजाहत की, या तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया।
The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. Rasul sallallahu alaihi wasallam ne responded kiya, jawab diya with these memorable words in yaadgar ilfaz mein. My dear uncle, mere pyare chacha, if they put the sun in my right hand, agar wo mere daaye haath par suraj rakh dein, and the moon in my left, aur mere left hand par yani baaye haath par chand rakh dein, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, yani tawheed. To phir bhi, even then phir bhi, I shall not abandon, to main tark nahi karunga the proclamation. Proclamation hota hai announcement, elan, tabligh of the oneness of Allah, Allah ki tawheed ke jo Allah ki tawheed ka jo elan hai usse kabhi tark nahi karunga. Proclamation yahan pe dekhen number 9 hai. You can see this announcement, elan ya assertion. I shall set up the true faith upon the earth. Is zameen par main sachcha deen lakar rahunga. True faith, sachcha deen lakar rahunga. Or ya perish ya gark ho jaunga in the attempt, isi koshish mein. Ya isi koshish mein main perish ho jaunga. Perish ka matlab hai gark ho jana, die, theek hai, tabah ho jana wagaira. To ye tha aapka jo next paragraph tha, isme kafi vocabulary hai nahi aapke liye. वोकैबुलरी को नोट करें, इस वीडियो को 3-4 दफा देखें जब तक आपको अंडरस्टैंड हो जाए. तो इसके पीछे दो क्वेश्चन रह गए थे, एक पिछले पैराग्राफ का और एक इस पैराग्राफ का, जो हम उनको देखते हैं. जो पहला क्वेश्चन था, इससे पहले पैराग्राफ जो आपने कल पढ़ा था, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हिज मिशन वाज टू वाइप आउट सुपरस्टिशंस, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ. उनका मिशन क्या था कि वाइप आउट कर देना. वाइप आउट होता है सफाई, हस्ती से मिटा देना तोहमत परस्ती को, इग्नोरेंस जहालत को और डिसबिलीफ को इस सोसाइटी से, एंड सेट अप ए नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ. उसके बाद नंबर 2 है, क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैगन अरब्स सेंड ए डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स अंकल. अबू तालिब के पास क्यों डेलीगेशन भेजा था उन्होंने, अभी हमने पढ़ा इसी पैराग्राफ में. दे वांटेड अबू तालिब, ठीक है, हजरत अबू तालिब यहां पे लिखना है, दे वांटेड हजरत अबू तालिब टू स्टॉप हिज नेफ्यू फ्रॉम प्रीचिंग इस्लाम और फेस देयर एनमिटी. वो चाहते थे कि अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को इस्लाम की तबलीग से मना करें या उनकी दुश्मनी का सामना करें. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज, यहां पर ये आज का हम लेसन खत्म करते हैं. तो आई विल इंशाल्लाह मीट यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू पैराग्राफ. अंटिल देन इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. इन क्वेश्चंस को आपने लिखना है, नोट करना है और याद करना है. टेक केयर.